हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज मैं बहुत सैड हूँ। पता क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ आज मैंने क्या क्या किया। हमारे घर वाले गए हुए हैं, चार लोग गए हुए हैं शादी पे और हम घर पे ही हैं। हमारी फैमिली मतलब घर पे ही है, तो इसलिए आलन की फरमाइश है। आलन कहता है वो जो शादी पे गए हैं वो शादी पे जो जो खाएंगे वो ही हमने घर पे बनाना है। तो हम आलन कहता शादी पे मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, हम इसे लेके नहीं गए शादी पे। तो इसलिए अब आलन की फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आज सुबह नाश्ते में हम आलू वाले पराठे खाए और फिर दोपहर में हमने गोश्त बनाया था और साथ गुड़ वाले चावल बनाए थे। तो एक तो काम कर रहे थे, बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं हमेशा दिन ऊपर छत पे गया हुआ था, ऊपर साइड टेबल पे चढ़ के गिर गया, चोट लगवा ली। बीच में कोई ना कोई पंगा हो जाता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। बंदा सोचता है कि अब काम वगैरह कर लिया है, अब रेस्ट करेंगे, ये करेंगे, कोई अपनी फेवरेट मूवी देखेंगे या ड्रामा देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। तो बच्चे कुछ ना कुछ कर देते हैं, इस वजह से वो काम हमारा मिस हो जाता है। तो आज और एक मजे की बात, मैंने आलियन को मना ही लिया, ट्यूशन भेज ही दिया। आज मैं उसे ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। हमारा आलियन आज ट्यूशन चला ही गया, जैसे करके इतनी बातें कह कह के तू इसी क्लास में रह जाएगा, मलित अगली क्लास में चले जाएगा, मलित तुझे नहीं लेके जाता अपने साथ के मेरे साथ तो भी ट्यूशन चल। तो इसलिए ऐसे कर करके उसे ट्यूशन के लिए मैंने मना ही लिया, वो ट्यूशन चला गया है आज। तो कहता है ट्यूशन वाली को कह के आना है, ट्यूशन से डर बहुत लगता है इसे, इसलिए ट्यूशन नहीं जाता। तो ट्यूशन वाली आप को कह के आना कि मुझे जल्दी छुट्टी दे दें, मुझे दो बुकों का ही पढ़ाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना। मैं कहा अच्छा ठीक है, उसे कह के आऊँगी। फिर मैं उसे कह के भी आई हूँ ट्यूशन वाली को कि इसे बस दो बुकों का पढ़ाना है। वो कहती कि ये ना हो कि ये इन्हीं दो बुकों पर पक्का रहे कि मम्मा ने तो दो के बोला है तो दो ही नहीं पढ़ानी है। देखते हैं अब क्या होता है। मैं क्या बस एक दफा दो पढ़ा लो, ट्यूशन आना स्टार्ट हो जाए तो फिर ज़्यादा कर लेंगे दो चार दिन में, तो एक दफ़ा बस इसका ट्यूशन आना स्टार्ट हो जाए। तो दूसरा आज मैं सैड इस वजह से थी, मेरा मोबाइल कल का ख़राब है, शॉप पे पड़ा हुआ है, सही होने के लिए गया हुआ है तो गिरा था, हमेशा ध्यान से गिरा था। एक मोबाइल बच्चों ने पहले ही तोड़ के रख दिया, उसकी तो हालत बहुत ही गंदी है, इतना ख़राब कर दिया। और दूसरा मोबाइल अब जो मिला था वो भी गिरा दिया। इस वजह से आज ना मोबाइल ख़राब होने की वजह, जब भी मुझे मोबाइल की याद आती है तभी मेरे सर में इतना दर्द होता है भाई। तो मोबाइल ही जब भी फ्री होते थे तब भी टिकटॉक चलानी, तो सर में दर्द तो होने ही है। अब फ्री बंदा कुछ और तो कर नहीं सकता, मोबाइल चला नहीं सकता। जब मोबाइल ही एक रह गया था, एक तो ख़राब हो गया, LCD वो भी इनके चला लो, इनके कार्टून लगते हैं। तो इसलिए मेरा मोबाइल अब देखो, मुझे तो लगता है आज तो वो ठीक नहीं होगा, कल को जाके इसे करवा के लाना पड़ेगा। है तो काम सिर्फ कहते हैं आधे घंटे का है, तो बस हमारी है कि हम ही ढीले हैं, जाएंगे तो जाके सही करवा के लाएंगे। सर्दियां ना इस वजह से किसी का जाने को नहीं दिल करता मोटरसाइकिल पे। हाँ जी, सर्दी लगती है इसलिए।